हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का गठन। तो लास्ट वीडियो तक हमने ये बात कर ली थी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो जैसे ही इसकी समाप्ति होती है उसके बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनती है, ठीक है। और ये जो नई सरकार बनी थी इसने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की और ये कहा कि एक संविधान निर्माण करने वाली समिति जो है वो बनाई जाएगी, जिससे कि भारत की जो स्वतंत्रता का प्रश्न जो है वो सॉल्व हो सके, भारत जो है वो आजाद हो सके। तो इसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे, इन्होंने कैबिनेट के तीन मंत्री कौन कौन थे, लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और एलेक्जेंडर थे, इनको भारत भेजा। तो मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। तो इसी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद हो जाने के बाद ये संविधान सभा जो है पूर्णतः प्रभुता संपन्न हो जाती है। और जो काम है इस संविधान सभा का शुरू हो गया था 1946 से। तो संविधान सभा का जो ये कार्य है इसमें जो है कितना समय लगता है, तो एग्जाम में कई बार जो है इसके बारे में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा। तो इसमें जो है 2 साल 11 माह 18 दिन जो है इतने का समय लगता है संविधान को बनने में। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो संविधान सभा का गठन हुआ ये किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि प्रतिनिधि जो कि संविधान सभा में भेजे गए थे तो प्रत्येक प्रांत से भेजे गए थे, जहां की जनसंख्या 10 लाख तक थी तो वहां से एक प्रतिनिधि जो है संविधान सभा के लिए चुना गया था। और इसके अलावा जो है जो कुछ मान्यता प्राप्त समुदाय थे, मुस्लिम, सिख, तो यहां से भी ये लोग अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुनकर जो है विधानमंडल में भेजे गए। तो उस वक्त संविधान सभा के जो गठन हुआ तो उसमें चुनाव जो हुए तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी उस वक्त, 389 थी। और जिसमें 389 में से ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 थे कौन कौन थे, एक दिल्ली से, एक अजमेर मेरवाड़ा से, एक कुर्ग कर्नाटक से और दूसरा बलूचिस्तान से। और ये सब संविधान सभा के लिए चुनाव क्यों हो रहे थे, भारतीय संविधान की रचना के लिए। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व जिसमें महिला सदस्य जो है वो 15, अनुसूचित जाति 26 और अनुसूचित जनजाति इसमें 33 थी। और जब चुनाव हो गए तो उसके बाद जो है परिणाम क्या निकला, कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा सीटों पर विजयी रही, 208, मुस्लिम लीग जो है 73 सीटें और निर्दलीय 8, ठीक है। बाकी जो है अलग अलग पार्टी के थे। महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए, संविधान सभा में जो सर्वाधिक प्रतिनिधि थे तो हम जो मुख्य हैं वही ध्यान में रखेंगे, जो कि सर्वाधिक प्रतिनिधि रहे संयुक्त प्रांत से 55, मद्रास से 49 और बिहार से 36, ठीक है। वहीं पर रियासतों में जो सर्वाधिक प्रतिनिधि रहे वो कहाँ के रहे, मैसूर के 7 और श्रावणकोर के 6। और ये भी याद रखिएगा कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य जो है वो आप ध्यान में रखें, सभी प्रांत जो है उनकी जो संख्या है वो आप ध्यान में नहीं रखें। जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे जिनको हमने 3 भागों में बांटा था, एक तो था जहां पर मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत थे, ठीक है। तो उसमें से संयुक्त प्रांत जो है उसमें 55 और मद्रास में जो है कितनी, 49 और 36 जो है बिहार में। यहां से सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित हुए, रियासतों से मैसूर और श्रावणकोर से शामिल होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पहली बार 1946 में हुए चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए, लेकिन भारत पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो जो पूर्वी बंगाल है वो कहां चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करना था, क्योंकि इतने ज्यादा जाने माने व्यक्ति जो कि कहां पर चले गए थे, पूर्वी बंगाल में चले गए थे और पूर्वी बंगाल उस समय पाकिस्तान में चला गया, तो इनको जो है संविधान सभा में शामिल करना जरूरी था।
तो संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंस की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के एम आर जायकर, इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देकर जो स्थान रिक्त हो गया तो यहाँ पर जो है दोबारा से उपचुनाव करवाए गए और निर्वाचित होकर पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा में सम्मिलित किए गए। नोट में देखिए इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि संविधान सभा के जो है सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की और निर्वाचित संविधान सभा का बहिष्कार किया। जो भी निर्वाचित संविधान सभा के जो चुनाव हुए इसका बहिष्कार करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और अलग से ही संविधान सभा की मांग करते हैं मुसलमानों के लिए। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक चुनाव होने के बाद 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में होती है और उस वक्त जो है अध्यक्ष कौन बनेंगे तो ये समझ में नहीं आ रहा था, तो अस्थाई अध्यक्ष यानी सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और जिसमें स्थायी अध्यक्ष जो है बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोनों ही लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है चुनाव के बाद तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में होती है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद को बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अब जबकि संविधान सभा के चुनाव हो गए, अध्यक्ष जो है वह भी बना दिए गए, तो अब बारी किसकी आती है, अब आती है बारी संविधान का प्रारूप तैयार करने की। तो ये जो है प्रारूप कैसे तैयार किया जाए तो इसके लिए जिम्मेदारी जो है बी एन राव को सौंपी जाती है, क्योंकि वी एन राव जो है ये विधि वेत्ता रहे थे मद्रास में, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर ये पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भारतीय सिविल सेवा के लिए ये चुने जाते हैं। फिर उसके बाद जो है इनको कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वहाँ का न्यायाधीश बनाया गया था, तो इनको कानून संबंधी जो है वो नॉलेज थी काफ़ी। तो इसके लिए जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने जो है कहा कि कर्नाटक के जो विधि वेत्ता हैं, कानून को जानने वाले जो हैं बी एन राव, तो इनको जो है विधि सलाहकार बनाया जाना चाहिए जो कि संविधान से संबंधित जो है वो सलाह अच्छे से देंगे, ठीक है, और संविधान का जो है मूल प्रारूप तैयार करवाने में जो है हेल्प करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखना, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार रहे थे संविधान के निर्माण के। संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ये वही उद्देशिका है, प्रस्तावना है जिसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया तो यहाँ से जो है कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसको स्वीकृति मिल जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया। इन समितियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। तो बी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया जिसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। बी एन राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इस प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, इनको इसी वजह से संविधान का पिता जनक कहा जाता है, अनुसूचित जाति है जनजाति है इनका मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है, और अंबेडकर जी जो थे वो सामान्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे और संविधान सभा में पहली बार इनका निर्वाचन जो है पूर्वी बंगाल से हुआ था, मैंने आपको बताया, और उसके बाद पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान में चला जाता है, तो दूसरी बार कांग्रेस के टिकट से जो है संविधान सभा में पहुंचते हैं।
ठीक है, तो भारत के प्रथम विधि मंत्री जो हैं वो भी इनको कहा जाता है। तो प्रारूप समिति जो है इसके द्वारा संविधान का जो है वो प्रारूप तैयार किया जाता है और संविधान सभा के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर प्रारूप समिति के ये 7 सदस्य थे जो मिलकर कार्य कर रहे थे। अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एन मिश्रा और डी पी खेतान। तो यहाँ पर एक तो आपको ये याद रखना है कि प्रारूप समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। दूसरा, यहाँ पर इनके 7ों के नाम जो है वो ध्यान में रखें, जिसमें 2 के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि बी एल मिश्रा जो कि थोड़े समय तक जो है ये रहते हैं इस समिति के सदस्य और इसके बाद जो है ये हटा दिए जाते हैं, इनके स्थान पर कौन आते हैं, एन माधव राव। और डी पी खेतान, इनकी जो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी जो है इनको सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है ये 9 नाम याद रखने हैं, बी एल मिश्रा और डी पी खेतान के बदले में जो 2 नाम नए हैं, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के लिए उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष जो है विचार के लिए रखा। अब देखिए, ये जो प्रारूप समिति जो इन सदस्यों के द्वारा तैयार की गई थी, तो इसका जो मूल पाठ है तो सबसे पहले इस पर विचार होगा, कोई कमी तो नहीं रह गई है, तो इसके लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष जो है ये विचार रखा गया। और इसमें जो है कुल 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो है कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, जब प्रारूप समिति तैयार हो गई थी 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इसमें जो है संशोधन हो तो इसके लिए जो है काफी सुझाव आते हैं संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को दोबारा से इसे संविधान सभा के समक्ष रखा। तो इस तरीके से संविधान सभा में इस प्रारूप जो समिति जो थी इसके द्वारा जो प्रारूप तैयार करके रखा गया, तो इसके 3 वाचन होते हैं, कई जो है संशोधन भी इसमें किए जाते हैं। तो ये 3 वाचन जो होते हैं वो पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चलता है, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है और तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान को बनने में जो समय लगा वो आप ध्यान में रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो कई बार जो है हमारे माइंड में ये भी ध्यान रहता है कि जो राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ते हैं जो कि 7 चरणों में पूरा हुआ था, तो उस समय जो समय लगा था वो था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखें, संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ये संविधान सभा जो है वो आप वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि संविधान का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया। तो अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है, ये शब्द जो है इसी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ, अपनाया गया, स्वीकार किया गया। और इसी समय जो है 15 अनुच्छेद जो है वो लागू हो जाते हैं। ठीक है, अंतरिम संसद है, नागरिकता है और इसके अलावा निर्वाचन है, तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाते हैं 15 अनुच्छेद। उसके बाद 24 नवंबर 1950 को संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक होती है। कुल अधिवेशन जो है वो 12 होते हैं, 114 दिन बहस होती है, 284 सदस्य जो है इसमें हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, और फिर देखिए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां जो हैं यहाँ पर शामिल की जाती हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से मैंने आपको बताया लागू हो जाते हैं और बाकी जितने भी होते हैं वो सभी 26 जनवरी 1950 से लागू किए जाते हैं। 26 नवंबर को 15 अनुच्छेद जो है वो लागू होते हैं, जैसे कि आप ध्यान में रख सकते हैं आर्टिकल 6 है, 7 है, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 93 और 94। तो ये आप जो है आर्टिकल ध्यान में ना भी रखें तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान में रखें कि 26 नवंबर 1949 को जो है 15 जो अनुच्छेद हैं वो लागू हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग, 8 अनुसूचियां जो हैं, ये 26 जनवरी 1950 से लागू हो जाती हैं।
अनुच्छेद 393 इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 93 में। और अनुच्छेद 94 में ये है कि 26 जनवरी 1950 से संविधान जो है वो लागू हो जाएगा। तो संपूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर जो है तो इसको संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा गठित हुई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कुल सदस्य संख्या जो कि कैबिनेट मिशन की योजना जब आई थी तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे तब संख्या कितनी थी, 389 थी, 389, ठीक है। उसके बाद जो है 299 सदस्य रह गए जब भारत पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया। तो संविधान की सभा की जो मांग जो है जो कि पाकिस्तान ने भी की थी तो कुछ सदस्य जो है वो वहां चले गए। तो इन 299 में से 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से थे। और देखिए सिग्नेचर कितने सदस्यों ने किए थे वो भी ध्यान में रखिएगा, 284 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो हमने जो है पढ़ा था कि प्रारूप समिति के सदस्य जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंकर, के एन मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, और एन माघव जो माघव राव थे, टी कृष्णमाचारी थे, ये सभी 7 सदस्य थे। संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जो है एजाज रसूल जो कि कहाँ की थी, यूपी की थी। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य थे और के एम मुंशी जो है प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल हुए थे, 12 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य जो है वो शामिल हुए थे। तो 12 सदस्य शामिल हुए थे और चीफ कमिश्नर क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव थे। राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो है 12 सदस्य शामिल हुए थे तो उनमें से सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, बलवंत सिंह मेहता ने किए थे। अंबेडकर जी जो हैं इनको आधुनिक मनु भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो ये आपको सभी बातें ध्यान में रखनी है, एग्जाम में किसी भी तरीके से ये पूछी जा सकती हैं। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा के बारे में कि ये एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। वहीं ब्रिस्टन चर्चिल जो है वो क्या कहते हैं कि भारत के केवल एक बड़ा जो समुदाय है इसका प्रतिनिधित्व करती है संविधान सभा। संविधान सभा के रूप में जो अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वहीं पर संसद के रूप में अध्यक्षता जी वी मावलंकर ने की थी। संविधान निर्माण पर कुल कितना खर्च आया, 64 लाख का खर्च आया। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपनाया गया था देश का, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, वहीं 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहला जो है राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि हो सकता है एग्जामिनर जो है संविधान सभा के गठन की बात जो है वो पूछ रहा हो और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन वो पूछ ले कि राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां जो है वो बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष के नाम आपको याद रखने हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष रहे थे। संघ समिति के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, वहीं पर प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। झंडा समिति और संचालन समिति, इनके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वहीं मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये समितियां संविधान के निर्माण में जो इन्होंने सहयोग किया तो इनके अध्यक्ष के नाम जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल,
झंडा समिति, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा रियासत समिति, देसी रियासत समझौता समिति, नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी को, मूल अधिकार संबंधी उप समिति जे बी कृपलानी को और संविधान सभा की कार्यकारिणी जो है जे जी वी मावलंकर को अध्यक्ष बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया तो उसकी जो अध्यक्षता है, अध्यक्ष किसे बनाया गया, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को बनाया गया। और वहीं पर उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद। गृह सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया। तो ये चीज जो है वो आपको देखिए याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तो उस वक्त जो अंतरिम मंत्रिमंडल थी स्वतंत्रता के बाद, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। वहीं पर वाणिज्य मंत्री जो है सी एच भाभा को बनाया गया, संचार मंत्री रफी अहमद किदवई को, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर को, वित्त मंत्री आर के षणमुख चेट्टी को, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्री एन वी गॉडगिल को। संविधान सभा में देखिए 15 जो है महिलाओं को शामिल किया गया था, तो जिसमें सुचेता कृपलानी ये कहाँ की थी, यूपी से थी, विजय लक्ष्मी पंडित ये भी यूपी से थी, पूर्णिमा बैनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाइज स्कूल ये सभी कहाँ से थी, यूपी से थी, राजकुमारी अमृता कौर जो है ये मध्य प्रांत से थी, सरोजनी नायडू बिहार से थी, हंसा मेहता बम्बई से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, रेणुका राय पश्चिमी बंगाल से, लीला राय पश्चिमी बंगाल से, एनी मस्किरिनी ट्रावणकोर से, दक्षयानी बेलायुदन मद्रास से, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से और मालती चौधरी ओडिशा से। तो ये 15 महिलाएं थी जो कि संविधान सभा में शामिल होती हैं। तो इस तरीके से संविधान सभा का गठन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। देखिए कैबिनेट मिशन जो योजना है उसके द्वारा ही संविधान सभा के जो है सबसे पहले चुनाव होते हैं, जहां पर 389 सदस्यों के चुनाव होते हैं, ठीक है। और जब चुनाव का परिणाम आता है तो कांग्रेस जो है वो सबसे अव्वल रहती है, 208 जो है सीटों से जीतती है। और आप याद रखें कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, तो उस वक्त जो है अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, तब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। संविधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे, ठीक है। विधि वेत्ता जो थे, क्योंकि उन्हें जो है विधि यानी कानून की सबसे ज्यादा नॉलेज थी। संविधान सभा की जो शुरुआत होती है, कार्यवाही जो है वो किससे प्रारंभ होती है, उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ होती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इस तरीके से जो है संविधान सभा में कई जो है वाचन होते हैं और कई जो है बहस होती है, 114 दिन तक तो बहस ही चलती है। अंत में जो है 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है इसमें प्रक्रिया में लगते हैं। अंतिम बैठक 24 जनवरी को होती है 1950 में, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हो जाता है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।